उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और फाइनल रिजल्ट कल शाम 7 बजे के बाद घोषित हुए हैं। सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। बुलंदशहर से उषा सिरोही, बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार, नौगांव सादात से संगीता चौहान, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर, देवरिया सदर से डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, घाटमपुर से उपेंद्र नाथ पासवान और मलहनी से सपा के लकी यादव ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन पर सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पार्टी संगठन एक टीम की तरह साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह सरकार और संगठन ने काम किया, यह एक मिसाल है। आज का परिणाम इसी टीम वर्क का नतीजा है। न्यूज़ डेस्क।